वेलकम बैक टू अवर चैनल फिर से हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा व्लॉग्स। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और मैं हूं सूर्य और बाल गाइस बहुत भयंकर उड़ रहे हैं। हम लोग हैं बाइक पर ऑन द बाइक और हम आपको लेकर चल रहे हैं मुल्ताई के अंदर। हम लोग बाहर से आए हुए हैं मतलब घूम कर और अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखते लेट्स सी कि हमको जाना मतलब किस तरफ है। सीधे चलेंगे हम लोग अंदर और बाकी आप बैक कैमरे से देखें। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मुल्ताई के संबंध में सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं और मुल्ताई के आसपास भी आपको घुमाने का प्रयास करते हैं। जल्दी हम मुल्ताई ब्लॉग को बैतूल ब्लॉग में भी कन्वर्ट करेंगे और जल्दी जल्दी आप अपना प्यार बनाए रखें। हमारे वीडियो को धकाधक शेयर कीजिए गाइस और थोड़ी हेयर यहाँ पर बिगड़ी जाते हैं तो अब आप बैक कैमरे से मजा लीजिए सफ़र का। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये गायत्री नगर है और गायत्री नगर से हम लोग निकल मतलब ये इरिगेशन कॉलोनी जस्ट इस तरफ है गाइस। ये इरिगेशन कॉलोनी है, मैं आपको कैमरा ऑन लगा करके बताऊँ। इरिगेशन कॉलोनी है और इरिगेशन कॉलोनी में क्या होता तो गाइस वहाँ पर मंदिर भी है और हम लेकर चलेंगे वहाँ दुर्गा जी का, बहुत शानदार मंदिर है। ये एक मुल्ताई का छोटा सा नज़ारा है। इधर इधर की बिल्डिंग दिख रही है गाइस, मुल्ताई इतना छोटा है नहीं हमारा। आप अगर पैर रखेंगे तो घूम हो जाएंगे, एक गली से दूसरी गली में कम से कम 10 गलियां और आ जाती हैं। इसलिए हम आपको याद भी करवा देते हैं। ये गाइस यहाँ अंदर है मंदिर इरिगेशन कॉलोनी के, इरिगेशन कॉलोनी के पास में। और गाइस इधर सिलेंडर वगैरह भी है, मतलब अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, अभी तो फिलहाल बंद है। इंडेन का सिलेंडर का काउंटर है गाइस। और ये हमारे यहाँ की सब जेल है, मतलब उप जेल बोल सकते हैं इसको। और मतलब आसपास के जितने भी थाने हैं और इसमें जो सजा याप्त जो कैदी होते हैं वो यहीं पर लाए जाते हैं। बैतूल वगैरह के भी आते हैं यहाँ पर, मतलब कैसा गाइस आपको यहाँ पर आने के लिए मतलब प्रयास ना करें आप। यहाँ से नहीं ना यार, चलो ना यार, यहाँ कहाँ पे जानने पहचान में तेरे मेहमान। गाइस ये वाला जो है रोड, इस पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। ये जो ऊपर जा रहा है इधर भी कॉलोनी गाइस आजकल बहुत शानदार बन गई। और ये वाला जो पीछे आपको दिख रहा है यहीं पे पोस्टमार्टम हुआ करता था, अभी तो उधर हो गया है, तो चीर घर बोलते थे गाइस वहाँ पे, अब तो वो भी बेकार हो गया है। और इधर साइड जो है इसको कौन सा सरोवर बोलते थे, सूर्य सरोवर ऐसा कुछ बोलते थे ना। तो गाइस यहाँ पे पीछे से आपको मतलब ऊपर से दिखाएंगे, यहाँ पे पूरा से सरोवर है पानी रोकने के लिए, सूर्य नारायण सरोवर ली तो यहाँ पर पानी रोकते थे। अब तो ये जो अच्छे ने एक स्कीम लाई गई थी, ये आपको दिख रही है ना बिल्डिंग, ये चीर घर था हमारे यहाँ का, तो ये फेल हो गया। और ये हमारे यहाँ की मंडी है गाइस, अगर आप देख पाए तो ये मंडी है मुल्ताई की। हम आ गए अब नाके पर, नागपुर नाका बोल सकते हैं हम इसको, और अम्बेडकर चौक टोटल मार के यहाँ पर गाइस। अम्बेडकर चौक और बस स्टैंड पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रूट वगैरह मिलते हैं, मतलब थोक में भी, थोक ही समझ लो एक तरह से। और इधर से चल रहे हैं हम गाइस आज। ये है एक्चुअली में ये रोड मेन रोड थी पहले, जिस रोड से हम लोग जा रहे हैं, बाकी इधर का तो जितना है सब ना अतिक्रमण में ही है। ये देखिए कृषि उपज मंडी मुल्ताई की, सब्जी मंडी बोल सकते हैं। दिन भर मतलब मॉर्निंग में यहाँ पर थोक में आकर मतलब सब्जी बेची जाती है और जो सब्जी बेचने वाले उनसे खरीद लेते हैं और फिर चिल्लर में बेचते हैं गाइस। तो ये वाला जो रोड है ना ये मेन रोड था, बाकी तो देखते हैं है ना। ये रोड मेन रोड नहीं था, उधर वाला था नागपुर रोड वाला। चले हम लोग आगे गाइस इंदिरा गांधी वार्ड मटन मार्केट के पास, हम यहाँ से सीधे चलेंगे गांधी चौक साइड में हम लोग मुड़ने वाले हैं। मुड़ना क्या, सीधे चलना है इधर साइड गाइस, गांधी वार्ड है। और इधर जिधर से हम लोग आए मतलब छोड़ के आए हैं, मतलब एक रोड उधर साइड इंदिरा गांधी वार्ड है, मतलब वो तो उस तरफ है। और ये वाला जो रोड है ये गांधी चौक हमको लेकर के जाएगा,
हाँ ये वाला जो रोड है ये आपको लेकर चलेगा गांधी चौक, सीधा सीधा एकदम, ज़्यादा दूर नहीं। और गाइस यहाँ के रोड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रेकर्स आपको मिल जाएंगे जो, और घर यहाँ पे रोड से बड़े चिपके हुए भी मिल जाएंगे। और अचानक से कोई भी मुर्गी और कोई भी बकरी का मेमना और इंसानों के बच्चे एकदम गाड़ी में आ जाते हैं। तो आप जब भी यहाँ से जाएँ तो सतर्क रहकर जाएँ, गाड़ी स्लो ही चलाएँ। ये एक बच्चा आया था हमारे यहाँ, देखा अभी हम बात कर ही रहे थे और बच्चा अचानक से आ गया एग्जाम्पल देने के लिए। और तो स्पीड बहुत कम है, 5-10 की। हम तो स्पीड अभी 5 की लेकर चल रहे हैं। देखिए गाइस हम बात ही बात में गांधी चौक, आपको रामलीला मंडल दिखाई दे रहा होगा दूर, हम बिल्कुल इसके पास में आ ही रहे हैं। और अब हम लोग देखिए यहाँ पे जितने भी हैं ज़्यादातर आपको ब्रेकर दिख जाएंगे, सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ही हो पा रहे हैं, सेटेड है। और हम लोग यहाँ पर आ गए गांधी चौक में, चलने दो गाइस। दीदी गाड़ी रोक दी थी, नहीं गाइस चल रही है। और ये टैलेंट है गाइस, ऐसा लगता है कि गाड़ी चली नहीं रही है बट गाड़ी चल रही थी। और देखिए हम लोग बता रहे थे ना आपको कि गांधी चौक आएगा, उम्मीद बंधा के रखिए गाइस, यहाँ गांधी चौक तो आ गया है। और देखते हैं अब रामलीला भी अपने अंतिम चरणों में है इस साल की, और हर साल हमारे यहाँ रामलीला मतलब इस तरह से निभाई जाती है, उसका कलाकारों के द्वारा मंचन किया जाता है। अब देखते हैं आज हमारा अगर मूड बनता है तो फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर, बाकी देखते हैं। रात में कहीं नींद थोड़ा सा खलल डालती है, ठंड भी आजकल ज़्यादा आ गई है, तो एक बार आप कंबल में जाओ तो कंबल से बाहर आने का मन नहीं करता। और फिर सुबह दीदी को जल्दी भी उठना रहता है तो फिर इसलिए हम लोग नहीं जाते। अब हम लोग हमारा जो काम है उसको निपटा लेते गाइस और फिर हम जल्द मिलेंगे। सी यू। और आप हमारी वीडियो को देखते रहें।